आज सुबह सुबह अचानक म्यूजिक किंग बप्पी लहरी की मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। सब हैरान थे कि इतने हेल्दी, हैप्पी और हमेशा जॉली मूड में दिखने वाले बप्पी दा को हुआ तो हुआ क्या। लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था कि अपना इतना ख्याल रखने वाले, मस्ती में रहने वाले बप्पी दा का निधन आखिर कैसे हो सकता है। और इसके कुछ ही देर बाद बप्पी दा के निधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई, और ये खबर थी उनकी बीमारी से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि बप्पी दा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से बीते काफी दिनों से जूझ रहे थे। हालांकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बीमारी है और कैसे शरीर को इतना हार्म कर सकती है कि किसी की मौत हो जाए। दरअसल स्लीप एपनिया एक ऐसी दिक्कत है जिसमें पीड़ित इंसान की सांस उस समय कुछ देर के लिए रुक जाती है जब वो सो रहा हो। इस दौरान उनकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सांस टूटने से उनकी आंख खुल जाती है और उठते ही तेजी से हांफने लगते हैं। इस प्रॉब्लम से सफर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जागने पर इस बात का एहसास भी नहीं होता कि सोते समय उन्हें सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वो तेजी से सांस ले रहे हैं और अजीब घबराहट महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो अगर स्लीप एपनिया का समय रहते पता ना चले तो ये कई दूसरी बीमारियों की वजह बन सकता है, जैसे पूरी रात सोने के बाद भी सुबह के समय थकान महसूस होना, दिन भर आलस बने रहना, डाइजेशन ठीक से ना होना और याददाश्त पर असर पड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेंटल स्लीप मेडिसिन पर हुए एक सेमिनार के मुताबिक भारत में करीब 40 लाख लोग, खासकर बुजुर्ग और मोटे लोग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वजह से बप्पी लहरी 29 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे। उनकी तबीयत में सुधार आ रहा था जिसके बाद उन्हें 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि एक दिन बाद उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उन्हें दोबारा जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल लाया गया, जहां बीमारी के बाद लगभग रात 11:45 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बप्पी दा को फेफड़ों की बीमारी रहती थी। वो पिछले 1.25 साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जूझ रहे थे। इस वजह से कई बार वो अस्पताल में भर्ती किए गए, लेकिन हर बार उन्हें छुट्टी मिल जाती थी। वो 18 दिन तक आईसीयू में भी रहे थे। इसके बाद 10 से 11 दिन रूम में शिफ्ट करवा दिया गया था। सोमवार को जब वो नॉर्मल हो गए थे तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। घर जाने के बाद अगले दिन जब डॉक्टर्स ने उन्हें फोन करके उनकी तबीयत का हाल पूछा तो वो एक बार फिर से बिगड़ गई। कोरोना के कारण उनके फेफड़े और कमजोर हो गए थे। बप्पी लहरी को याद करते हुए पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड के एक एक सितारे काफी इमोशनल हो गए। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं अक्षय कुमार, अजय देवगन, विशाल डडलानी, एआर रहमान सभी ने बप्पी लहरी को याद करते हुए अपना दुख बयां किया है। क्रेजी फॉर बॉलीवुड की तरफ से भी वेटरन सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।